ये देखिए जी, सारी चारपाइयाँ अभी छांव के नीचे आ गई है जी। हमारे जी घर का एक काम जो है वो मुकम्मल हो गया। बहुत मेहनत से जी हमने ये छांव लगाई है, धूप बहुत तेज है। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं दोपहर की हो चुकी हूँ जी 12, तो सुलेमान देखे जी सरगोशियाँ का रहा है इधर। हाँ ले आओ। तो यहाँ जी हम खाना खाने लगे हैं दोपहर का। ये जी चले बाजार से मंगवाए, क्योंकि गैस सुबह की गई है जी, दोबारा से आई हुई है। बाजार के चले हैं जी, और ये जी रोटियाँ हैं बाजार की तंदूर वाली, ये देखे जी। यहाँ पे जी गैस का बहुत मसला है और विटामिन का बिल्कुल नहीं पता। आज सुबह हमने नाश्ता भी नहीं किया, तो इंतजार कर करके जी दाल भाजी ने रखी हुई है, अभी गैस आएगी तो वो पकेगी जी। तो फिलहाल जी खाना खाते हैं और उसके बाद जी बादल बहुत ज्यादा प्यारा बने हुए जी। हवा मांग रहे हैं जी, बहुत सख्त गर्मी है जी, बहुत सख्त। ये बारिश आ जाए तो अलग है जी, बारिश आ जाए तो फिर सारा खुद भी नहाएंगे बारिश में जी, और सेल को भी जी नहाएंगे। तो साइकिल से लाने लग गया जी सुलेमान। चलो जी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद जी फिर बाकी के आगे आगे वाले जो काम है वो आपके साथ जी शेयर करेंगे। तो मेरा शाम के जी 6 हो चुके हैं, तो आज बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी थी जी, हम बाहर गए ही नहीं है, और ना बस जी दाल बनाई थी वो, उसको अभी तड़का लगाने वाला है। तो सुलेमान उधर खड़ा जी, कह रहा जी मुझे बाहर लेकर जाएं, इसको जी कहीं घुमाने फिराने लेके जाते हैं, ताकि जी वो थोड़ा सा इसको जी हमारे सिटी का भी पता चल जाए। कहते हैं मैंने झूले ले लिए, अब बाहर निकलेंगे तो जी कोई पार्क होगा तो फिर इसको झूले जी दिलाते हैं और फिर अगली शेयरिंग करते हैं जी आपके साथ। ये देखे जी सुलेमान ने गोला ले लिया, मज़ेदार है। अभी ये घर से निकला है जी, तो इसने बोला मैंने गोला खाना है, छुप रहा है। जी सुलेमान ने और मीठा डलवाया है, सुलेमान का गोला बन गया था खट्टा। ये देखो जी भाई ने और मीठा कर दिया, अब मीठा हो गया ना। ये देखे जी बच्चे जो है यहाँ से गोला बनवा रहे हैं। तो ये गोला देखे जी सुलेमान ने गोला ले लिया है, अब ये खाता जा रहा है। आप ही आगे जा रही है, उन्होंने भी जी गोला ले लिया है। और ये देखे जी हमारा सिटी, यहाँ पे ये लकड़ी का जी फर्नीचर का काम होता है। और ये देखे जी हमारा सिटी इधर आ गया जी, ये गंज मंडी है, बच्चे जा रहे हैं जी आगे आगे। और ये देखें जी यहाँ पे बर्गर उस दिन खाने आए थे, शाम का वक्त है जी, बच्चे देखें जी काफ़ी यहाँ पे जमा है। हाँ देखें जी सलमान अंदर चला गया झूला लेने। जी मैंने समझा सामने जी पार्क है, पार्क में पहले झूले लगे होते थे लेकिन अब नहीं है, तो ये सामने मेरे झूले नज़र आए हैं। तो ये मेरे ख्याल में जी स्कूल वालों के झूले हैं, तो गेट बंद है जी क्योंकि स्कूल में छुट्टी है। सलमान नीचे से गुजर गया है जी, तो वहाँ पर जी देखे वो आप झूले लेने लगा। वो भी फिर शाम आ चुके हैं जी, हमारे इधर जाने वाले आंटी हैं उनके घर आए हैं जी, हमारे चचा जी और चची जी की वो जी बहन बनी हुई थी, उनसे जी हम मिलने आए। ये घर है जी सामने।
तो व्यूअर्स ये देखिए जी, हम अपनी आंटी के घर आए हैं। हमारे जी चचा जी और चची जी, ये जी उनकी सिस्टर हैं जी, यानी हमारे इनके साथ फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे थे। तो हर वक्त जी इनके घर में हमारा आना जाना लगा रहता था। तो ये जी इनको देख के तो हमें अपनी चची याद आ जाती हैं। तो अब आए हैं जिनके घर में, ये देखें इनके एसी लगा हुआ है। तो इधर जी हम बैठे हुए, ये ना आप सुनिए, उन्होंने हमें जमीन पे बिठाया हुआ है। नहीं जी, एसी की वजह से इनका सारा सिस्टम नीचे है, यहाँ खुद भी ये बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जी। तो इनके पास जी बड़े अरसे के बाद आए हम, मेरे घर 2-3 साल हो गए, 2-3 साल हो गया जी हम ये आए हैं। तो अब इनके पास जी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, चची जी और चचा जी की जी बातें कर रहे हैं, तो फिर जी इनके पास बैठेंगे, फिर अपने घर जाएंगे जी। अभी तो हम इधर ही हैं, शलेमान देखे जी इधर ज्वाइन कर रहे हैं, देखे इधर बस खाना आ गया जी। ये देखे जी इन्होंने माशाल्लाह जल्दी जल्दी खाना भी बना लिया है। वो कह रहे हैं जी आपने खाना खा कर जाना है, ये रोटियाँ हैं, ये सालन है, अब आप खाना खाएँगे जी। तो अभी बस खाना जी हमने खा लिया है, काफी देर जी हमने गप्पे लगाई है, तो बड़ा मजा आया जी, काफी अरसे के बाद मिले हैं, तो सारी जी पुरानी बातें हमने दोहराई है। तो देखे जी सलमान इधर मस्त हो गया है, मोबाइल के से जी उसका नेट चल रहा है, और एसी की जी ठंडी हवा में मस्त हो गया है। तो आप जी इनसे मिलते हैं और घर चलते हैं, शायद ये तस्वीर में है। ये देखिए जी इनका घर कितना प्यारा जी बना हुआ है माशाल्लाह, ये सारी जी देखे ऊपर छत, ये देखे जी माशाल्लाह बड़ी प्यारी जी ज़बरदस्त इनकी जी सीलिंग हुई हुई है, और यहाँ पे ये देखे जी माशाल्लाह दीवारें भी बड़ी साफ़ सुथरी, और यहाँ पे ये देखे जी हमारी आंटी बैठी हुई हैं माशाल्लाह जी। मैंने स्पेशल जी इनके लिए आई थी कि मैं इनकी वीडियो बना के लाऊंगी। तो ये जी सबको सलाम दुआ दे रही हैं हमारी पूरी फैमिली को, ये जी जब इनकी वीडियो देखेंगे तो उनको सारा पता चल जाएगा, सारे सलाम मिल जाएगा। हाँ जी सलाम मिल जाएगा। तो अभी बस हम जा रहे थे जी, लेकिन हमारी आंटी ने बोला है कि आपने अभी नहीं जाना, वो तो कह रहे हैं जी इधर ही सो जाए, लेकिन जी आप घर भी जाना है क्योंकि दरवाजे जो है वो लॉक नहीं करके आए, सिर्फ कुंडी लगा के आए हुए। तो ये देखिए जी आइसक्रीम मंगवा ली इन्होंने, तो आज इन्होंने जी हमारी बहुत ज्यादा खातिर की है, अब सलमान भी खाएगा आइसक्रीम, अब हम जी आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद जी फिर उनसे इजाजत लेंगे। अब हम घर जा रहे हैं, ये इनका किचन है, और ये देखें जी हॉल है, और ये देखें जी ऊपर सीलिंग हुई हुई है। जा रहे हैं जी, अब जी हमारा दिल उदास हो गया है जी, बड़े अरसे बाद आए हैं, इंशाल्लाह जी ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे जी। जी हम घर आ चुके हैं सब, और काफ़ी टाइम हो चुका है जी घर आए हुए भी, बिस्तर वगैरह किए हैं, चारपाइयाँ ये देखे जी यहाँ पर बिछाई हैं। तो सलेमान देखे जी अभी जाग रहा है, तो अब ये तो पता नहीं जी क्या जामेशीरी दे तो जामेशीरी देते हैं, तो फिर जी अपनी सोने की तैयारी कर रहे हैं, लाइटें वगैरह बंद कर दी हैं जी। तो अब सुबह उठेंगे जी, अब देखेंगे कि गैस की क्या कंडीशन है। खाना जी हमने वहीं से खा लिया था, चाय भी पी ली, आइसक्रीम भी माशाल्लाह जी ने मैंने खिला दी, तो काफ़ी जी उन्होंने हमारी खातर ताज़ा की है, फिर हमने जी घर आके खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया। ये देखें जी सुबह हो गई है, सूरज जी निकल आया है, यहाँ से जो आपको सूरज दिखाते हैं क्योंकि यहाँ से जिसे सूरज नज़र आता है, ये देखें जी हल्के हल्के बादल बने हुए हैं, और सलमान देखें जी वहाँ पे खेल रहा है, चारपाइयाँ जी हमने उठा दी हैं, तो सुबह की जी सब ने वो अभी नाश्ता करना है, और बाजी जी नाश्ता बाजी ने बना लिया, चाय बन गई, और ये देखें जी चाय हमारी बन गई है, बाजी अब जी कपों में डालने लगी है, पराठे जी उधर रख दिए हैं चारपाइयों के ऊपर, सालन भाग गया, सालन भी देखे जी,
ये देखे जी, ये हमारी दाल बनी हुई है। रात को बनाई थी तो अब सुबह तड़का लगाया। रात को जी हम जहाँ गए हुए थे वहां से हमने खाना खा लिया था, तो अब ये दाल है, इसके साथ अब सुबह का नाश्ता होगा, चाय और पराठे और दाल के साथ। ठीक है भाजी, चाय डालती है भाजी जी? आपकी भी चाय है? आज 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 और ये देखें जी, तीन कपों में हमने चाय डाल ली है। इसको चारपाई पे बैठ के जी आप नाश्ता करेंगे। और ये देखें जी, चारपाइयां जो है वो इस तरफ कर दी है, क्योंकि सर्दी छांव रहती है इस तरफ की जी। और पंखा जी बाजी वहाँ पे सेट कर देंगी, यहाँ पे दोनों चारपाइयों को जी हवा लगेगी, तो यहाँ पे बैठ के करते हैं नाश्ता। सलमान आपने रोल बना के खा लिया है ना, चाय पीनी है ना? आ जाओ आप ना खाओ। और ये देखिए जी हमारे पराठे आज गैस जाने से पहले ही हमने बना लिए। और ये है जी हमारी चाय। ये देखे जी सलमान, तेरी है। मैं तो मजाक कर रही थी तेरे से। आज गैस जाने से पहले जी हमने नाश्ता बना लिया। टाइम का हमें पता चल गया जी, 8 हो गए तो जाने वाली है। 8 बजे जी गैस चली जाती है। अभी मेरे ख्याल में गैस चली गई होगी, हमारे पराठे बन गए, हमारी दाल बन गई, चाय बन गई। तो अब हम जी करेंगे नाश्ता। सलमान देखे जी रोल बना कर खा रहा है, वो अंडा नहीं खाता, अच्छा बच्चा बन गया और इसकी एलर्जी भी ठीक हो गई है। ठीक हो गई ना जाने, अब इसे जी यहाँ पे एलर्जी नहीं होती, खारिश नहीं होती। कैचे बनाया है, चाय उसकी दी है, अब ये इसके साथ ही नाश्ता करेगा। तो अभी बस नाश्ता जी हमने कर लिया और यहाँ पे जी अब हम बर्तन वॉश करेंगे। और उसके बाद ही हम एक बहुत बड़ा मसला है जी हमारे साथ, से इनमें धूप आ जाती है, बहुत परेशानी बनती है, आज वो मसला हल करेंगे। वो जो तरपाल पड़ी है जी, उसको अब सुबह सुबह जी हम वॉश करेंगे, क्योंकि लाइट चली जाती है तो दो दिन की जी वैसे पड़ी हुई है, लाइट चली जाती है तो फिर जी वो तरपाल जो है वॉश ही नहीं हो सकी। आज सुबह जी लाइट है हम तो यहाँ पे जी तरपाल को बिछा कर वो इसके बाद जी हम वॉश करेंगे और वहाँ पे जी सेन में लगा देंगे। बर्तन मैंने वॉश कर लिए जी, यहाँ पे जी हमने ये तरपाल जो है वो बिछा दी है, लाइट है जी, शुक्र है जी लाइट है। आप इसके ऊपर जी सर डालते हैं और इसको वॉश करते हैं और वहाँ पे तार ऊपर जी डाल दें। और ये देखें जी सलेमान अपना साइकिल वॉश कर रहा
तो अभी बस ये देखें जी, तार के ऊपर हमने दूसरी साइड चेंज करके डाली है ये तरपाल। अब पाइप लगाएंगे और नीचे वाली साइड पे ये मट्टी जो है वो नीचे उतर आएंगे। तो अभी भाई ये देखिए जी, तरपाल हमारी सूख गई है। इसके साथ ये देखे जी, ये रस्सियां जी हमने बांध ली है। अब हम छत पे जा रहे हैं जी, वहां पे तो वहां पे जाकर जी इसकी छांव बनाएंगे और ये सारी चारपाइयां जितनी भी हैं जी वहां से मेरी यहाँ बिछा देंगे और खुद भी वहां बैठा करेंगे जी। ये बहुत बड़ा मसला बन रहा था हमारे लिए, हमारे चेहरे झुलस गए थे जी कमरों में जाते जाते। पहले भी जी जब हम इधर रहा करते थे तो इसकी छांव हमने बनाई हुई थी इसी तरह की। तो बाजी बैठी है, चले बाजी ऊपर छत के ऊपर। इसको जी वे छाव में फिला रखे, फिर इसको जी खुला करके तो ये एक बनेरा है इसके ऊपर जिसकी सेटिंग करेंगे। तो अभी भाई ये देखिए जी, छांव हमारी लग चुकी है और नीचे चल के जी आपको दिखाते हैं कि कितनी छांव बनी है। बड़ी मेहनत का काम है, ये धूप बहुत तेज है, बहुत मेहनत से जी हमने ये छांव लगाई है। धूप बहुत तेज है और सर में जी गर्मी पड़ रही है। नीचे चल के जी अब वापस आ शेयर करते हैं आज इसे हमारे कस। तो अभी भाई ये देखें जी, ये कमरा वॉश हो गया है। तो अब ये वाला जो सेन है जी इसको वॉश करेंगे और ये देखें कितनी प्यारी छांव लग रही है जी। बहुत बड़ा मसला बना था जी, छांव नहीं लगती थी, धूप लगती थी चेहरों के ऊपर और झुलस गए थे जी हमारे चेहरे। तो अब यहाँ से जी चेहरे में जी जब जाया करेंगे तो यहाँ पे छांव हुआ करेगी। तो शुक्र है जी अल्लाह का, ये एक बहुत बड़ा मसला हमारा हल हो गया है। अब सारे सेन में लग रहा है कि छांव ही छांव है। अब ये देखें जी, सारा जो सेन है यहाँ आधा आधा जी हम वाश कर लेंगे क्योंकि इतनी तो छांव है जी इधर। तो यहाँ पे ये जो चारपाइयाँ पड़ी हैं जी सारी, और जितनी जी ये वाली हमारी चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं ये जी, हम इधर सारी इस सेन में रख लेंगे, इधर सारी आ जाएंगी जी। सलमान खेल है, देखिए जिसे डोर मिल गई है। तो बाजी कहती है जी इतने तक जो सेन, और ये कूड़ा निकला है जी सामने कमरे से, ये उठा लेते हैं। ये देखिए जी इधर ये किराएदार जो है ये अंदर जी पता नहीं क्या कर रही है। देखिए जी पता नहीं यहाँ पे किस चीज़ के निशान जी किराएदार लगा के गए हैं, पता नहीं सीमेंट वगैरह यहाँ पे जी पता नहीं घोलते रहे हैं। अब ये कमरा भी जी अच्छी तरह वॉश किया है।
तो अभी बस फर्श जी साफ हो चुका है आधे से ज्यादा, और आधा जी ये भतीजी साफ कर रही है, तो चारपाई भी हम सेट करने लगे हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए जी सारी चारपाइयाँ अभी छांव के नीचे आ गई हैं जी। हमारे जी घर का एक काम जो है वो मुकम्मल हो गया कि जब तक रहेंगी जी ये छांव जो है वो हमें सुख देगी जितने दिन भी छांव इधर है, उसके बाद जी ये फिर इसको नीचे उतार लेंगे। तो देखिए जी माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, चारपाइयाँ भी छांव में आ गई, अब हम भी इधर ये पंखा है जी पंखा लगाएंगे, ये पंखा भी इधर रख लिया जी, तो यहाँ भी हवा आएगी यहाँ भी हवा आएगी। और देखो जी सलमान भी जब साइकिल चलाएगा इधर तो उसको जी धूप नहीं लगेगी, काफ़ी जी अब ये हमें सुकून रहेगा। तो अभी बस काफ़ी टाइम हो चुका है जी, 11 बज चुके हैं, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, सफाइयाँ कर ली है, छांव लग गई है, तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि जी ये बहुत बड़ा मसला था जो हमने जी हल करना था, यही अब सारा दिन जी हम इधर गुजारा करेंगे बैठा करेंगे, अब जाके जी दोपहर का खाना भी बनाएंगे, जब गैस आएगी तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी शेयरिंग रूटीन ज़रूर पसंद आएगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। हमारे बहन भाई दोस्त सब हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे सब रिज़्क़ में अल्लाह पाक के ज़रिए हमारे सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो इजाज़त दीजिए जी, खुदा भी बहुत ज़्यादा गर्मी है जी बहुत ज़्यादा, और अब शुक्र किया है जी कि ये वाली छांव लगी है, तो पंखा लगाते हैं ये वाला, और यहाँ पे जी आप बैठेंगे, यहाँ पे तो इतनी धूप है, ये चार पाइयाँ इन पे बैठ जाएंगे, इस तरह सूरज हो जाएगा तो फिर छांव आ जाएगा। और वो साइकिल सलेमान की देखें जिसे धूप में फेंक दिया, धो धो के खराब कर दिया, अभी इधर ले जाओ उसको चलाओ।